नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उदेंद्र सिंह नेगी। दोस्तों, इस भाग में आप देखेंगे माँ नंदा देवी नौटी गांव। ये सिद्ध पीठ है, ये इसकी स्थापना यहाँ पे हुई।
मैं सर्वप्रथम समस्त नौटी ग्रामवासियों को भगवान श्री केदार जी और कैलाश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने भगवती सुनंदा और नंदा महागौरी का यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया स्वागत किया और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आज हम इस डोली को जो महागौरी की केदार जी की बा मांगनी है, जिनको हमने हरिद्वार से स्नान करवा करके देवप्रयाग का स्नान करवाया, फिर रुद्रप्रयाग का स्नान करवाया, फिर गौरीकुंड का स्नान करवाया, फिर केदारनाथ जी में जिनके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की गई, फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन किए गए, बद्रीनाथ जी से कल नंदा सैन में भगवती ने अपने भाई लाडू श्याम के साथ में लाडू देवता के साथ में भेंट की। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारा खम जो है लाडू देवता बेचारा, उसको इन्होंने मिट्टी से चारों ओर से पाट दिया है। अगर इनको वहां मिट्टी भरनी थी तो पहले मंदिर को ऊपर उठा दे, फिर वहां मिट्टी भर जाती। ये दुर्दशा इन लोगों ने की है। नंदा देवी की कृपा से मैं इस क्षेत्र में पधारा हूं, बाजा बजाने वाला पी करके, संग में चलने वाले सब पी करके, इसलिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों को एक सूचना देना चाहता हूं, मांस और मदिरा का भक्षण मेरे तीर्थ यात्रों में न हो, अन्यथा मैं महाप्रलय मचाऊंगा। यहां महाप्रलय हो जाएगा और फिर नहीं तो कोई तीर्थ बचेगा ना कोई स्थान बचेगा। इसलिए इस शक्ति को अगर हम सभी क्षेत्रवासी रोकना चाहते हैं, हमारे देवताओं की, आप सब जानते हैं कि हमारे देवताओं में, हमारे पशुओं में कई देवता आते हैं जो यहाँ की भविष्यवाणियां करते हैं और उनकी भविष्यवाणियां शक्ति भी होती हैं। मैं आप सभी लोगों से, माताओं से विशेष करके, नौटी के नौटियालों से जिन्होंने परंपरा से इस देवी की पूजा की है, इनका वंश सदा फूले फले, इनका वंश सदा खिले खले और आप समस्त क्षेत्रवासियों का कल्याण हो। लेकिन माता बहनों, अब यात्रा आने वाली है, नंदा राजा की यात्रा शुरू होने वाली है, उस समय अगर आप लोग एक ऐसा संगठन बनाइए कि यात्रा में इस चीज का सेवन ना हो, क्योंकि मैं उस समय जब गया था, बुग्याल पड़ता है, क्या नाम उस बुग्याल का, बेदनी बुग्याल में, तो जब बेदनी बुग्याल में वहां टेंट लगे हुए थे, वहां पर वो चल रहा था, आकाश में जो है वहां त्रिशूली पर्वत की तरफ से बिजली गिरी, कई लोगों के ऊपर करंट लगे, जो उस यात्रा में रहे होंगे, ये एक सूचना है। आपने पहले भी सुना कि राजा के वहां पर कई लोग समाप्त हो गए थे, रूपकुंड में कई आज भी अवशेष मिल रहे हैं। अगर इन आपदाओं से बचना है तो समस्त क्षेत्रवासियों को हमको एक होना होगा आज की, ताकि शराब पी के हमारे मंदिर में कोई आए ना, जागरूक होना, ताकि हमारे मंदिर की, हमारी शक्तियां बनी रहे। और यह सूचना देने के लिए मैं आप सभी लोगों के बीच में आया हूं। मैं कैलाश में रहने वाला, कैलाश में रहता था, भगवान शंकर ने मुझे जानबूझ करके वापस भेजा कि बोला कैलाश से वापस जाओ। और मैं सभी क्षेत्रवासियों की एक बार पुनः केदार से भी प्रार्थना करूंगा, भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने क्रोध को शांत रखें, जगत कल्याण के लिए सद्बुद्धि दें मेरे सभी भाई बहनों, क्योंकि मुझे बहुत प्रेम है इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र से देवी नंदा जी अपने ससुराल को प्रस्थान करती है बार बार, हर साल 14 वर्ष 12 वर्ष में यह यात्रा सफल बनती रहे। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं और आप सभी लोगों का कल्याण हो। आपने जो यहां पर स्वागत दिया उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान शंकर सदा आपका कल्याण करें। मैं माँ नंदा देवी नंदा धाम नोटी में आप सभी यात्रियों का, अपने संपूर्ण गांव की ओर से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, वंदन एवं नमन करते हुए आपकी यात्रा को सफल बनाने हेतु मैं माँ नंदा देवी से प्रार्थना करता हूं। और आप जिस उद्देश्य से, जिस ध्येय से आप चले हैं, आपकी यात्रा सफल हो। ये नोटी गांव जो है बहुत पुराना, यानी इसकी स्थापना जो है वो राजा कनकपाल ने की थी। नोटी गाँव में यहाँ पर हम लोग जो हैं नोटियाल वंशज राजा के गुरु रहे हैं और यहाँ पर सर्वप्रथम महाराजा सालीपाल ने माँ नंदा देवी की स्थापना की थी। ये सिद्धपीठ है और इसकी जो 12 मैंने मुख्य रूप से 12 साल में इसी राजजात आपकी चलती है और ये राजजात यहाँ से लगभग 280 किलोमीटर की ये यात्रा, ये पैदल यात्रा, पैदल इतनी बड़ी बीहड़ और कठिनी रास्तों से होते हुए
और अंत में ये हेमकुंड में है, होमकुंड में इसकी अंतिम यात्रा वहाँ पर इसी पूजा लगती है माँ नंदा देवी की। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस यात्रा में मुख्य रूप से हजारों लाखों लोगों का यहाँ पर संगम होता है, आते हैं और यात्रा में चलते हैं। ये देश नहीं विदेश के लोग, विदेशी भी इसमें शरीक होते हैं। इसमें चार सिंह वाले खाटू जो है इसकी बहुत अहम भूमिका है और ये यहाँ से चलते हुए ये मुख्य रूप से ये मार्गदर्शक है। ये मानंदा देवी का ये एक दूत है समझ लीजिए। और ये पूरी यात्रा में किसी प्रकार से कोई भी बिना किसी कष्ट के ये सारी यात्रा इसी खाडू के द्वारा जो है वो उसका मार्गदर्शन करती है, जाते हैं और अंत में होमकुंड में इसकी इतिश्री होती है, जात लगती है। उसके बाद फिर पुनः लोग जो हैं अपने घरों को वापस लौट आते हैं।